गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो ग्लोबल करप्शन इंडेक्स के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इन डेप्थ के अंदर लियोपेरिसी डे के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो न्यूज़ है विशेष के अंदर गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें की गई है तो डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर और देश देशांतर के अंदर आजकल बजट के एनालिसिस के बारे में आ रहा है तो अभी कुछ खास पॉइंट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं, कल बजट आएगा तो फिर देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो रेडियो के अंदर हमारे पास है, यहाँ पर देखो आप ग्लोबल करप्शन, ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स, यहाँ पर ये जो ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स 2018 है, ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है जिसको ग्लोबल करप्शन इंडेक्स कहते हैं। ये बातें इंपॉर्टेंट होती है और इसमें इंडिया का रैंक जो है ये 78 नंबर पे है 180 कंट्रीज़ पे, और तो बाकी दूसरे कंट्री का हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो लियोपेरिसी के बारे में बात करेंगे। लियोपेरिसी में क्या क्या हो रहा है, हुआ है तो लियोपेरिसी के अंदर देखें तो यहाँ पर एक सेकंड स्लाइड खोलने दो। यहाँ पर जो है सो फाइट अगेंस्ट लियोपेरिसी की बात है तो यहाँ पर 2016 में ड्रैकोनियन कॉलोनियन एरा लेपर्स एक्ट रिपील्ड किया गया 16 में। मतलब एक्चुअल में होता क्या था, लियोपेरिसी से लोगों को जो है सो मतलब हे दृष्टि से स्टिग्मा अटैच्ड हुआ करता था, इसको दूर किया गया। स्पर्श जो योजना है, स्पर्श एक स्टार्ट किया गया था 2017 में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 2017 में स्पर्श किससे रिलेटेड है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। हालांकि 17 का है लेकिन दो साल पहले का भी यूपीएससी पूछती है, जैसे थाट के बारे में पिछले बार पूछा था उसी तरह से। तो अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया, स्पर्श है स्लैश एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन नंबर ऑफ लियोपेरिसी केसेज, मतलब इसको कम करने की बात की जा रही है। जनवरी 2019 में लोकसभा पास्ट बिल सीकिंग टू रिमूव लियोपेरिसी एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, नेल्प NLEP होप्स टू रिड्यूस ग्रेड टू डिसेबिलिटी टू लेस देन 1 केसेज पर मिलियन पीपुल बाय अक्टूबर 2019। 100 मतलब गांधी जी का जो 115th एनिवर्सरी होगा उस दिवस पर हम इसको एलिमिनेट करने में एक भूमिका निभाए, ये बातें कही जाती हैं। ये लिपरेसी का जो कॉन्सेप्ट है बांग्लादेश, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया में बहुत सारे रिपोर्ट किए जाते हैं। ये फ्रेश केसेस, न्यू केसेस जो आते हैं वो मेडागास्कर, मोजाम्बिक, हालांकि ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती है लेकिन आंसर के अंदर आप लिख सकते हो। इन्हांस्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्टनर्स, इंक्लूजन अक्रॉस लियोपेरिसी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में किस तरह की व्यवस्थाएँ। हाईलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इंप्रूव डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। देखो डाटा कलेक्शन बहुत जरूरी है, अगर डाटा नहीं होगा तो हम कैसे किसी चीज़ को क्योर कर पाएंगे। यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि ऑल्सो नोन एज लियोपेरिसी हैंसेन डिजीज, ये जो हैंसेंस डिजीज, हैंसेंस है आपसे पूछ लेगा हैंसेंस डिजीज इज रिलेटेड टू, तो लियोपेरिसी से रिलेटेड है, इसी का दूसरा नाम है। कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टेरियम लियोपेरिसी, लियोपेरी ये बैक्टीरिया आप जोर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। अफेक्ट्स स्किन, नर्व्स, अपर रिसेपेटरी ट्रैक्ट, मतलब ये एक्चुअल में बायोलॉजी का टर्म है, देख लिया एक बार बस चलो ठीक है हो गया। नेक्स्ट कैन स्प्रेड बाय ब्रीथिंग एयरबॉर्न के ब्रीथिंग के कारण अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, इन्फेक्शंस कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड एट एनी एज, किसी भी एज में ये इन्फेक्शंस हो सकता है। स्किन लेसंस, नंबर इन हैंड्स, आर्म्स एंड लेग्स, अनक्लियर ऑफ सोल्स ऑफ फिट, ये इस तरह की चीज़ों पे, स्किन वगैरह पे होता है ये। दूसरा जो हमारे पास न्यूज है वो स्वच्छ भारत, गांधी से मोदी तक, हमारे गांधी जी 1916 से लेकर के हमेशा बात करते थे सफाई, और हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किस तरह से इसको आगे बढ़ाया। तो गांधी जी की ये दो चार कोट्स आपको मिलेंगे। गांधी जी कहते थे स्वच्छता स्वतंत्रता के राजनीतिक आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है, स्वच्छता को रचनात्मक कार्य की सूची में शामिल किया। नेक्स्ट स्वच्छता को स्वाधीनता के अनिवार्य कदम का दर्जा दिया, स्वच्छता की कमी को हिंसक कृत्य के समान मानते थे गांधी जी, गंदगी में हिंसा का सबसे घृणित रूप छिपा हुआ है, स्वतंत्रता के मार्ग पर स्वच्छता और अहिंसा को सहयात्री मानते थे। ये सब कोट्स आप किसी भी आंसर वगैरह के अंदर यूज़ कर सकते हो, ऐसे में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम अपने गांव और शहरों की परिस्थितियों को नहीं बदलते, अपने आप को बुरी आदतों से मुक्त नहीं करते और बेहतर शौचालय नहीं बनाते, तब तक स्वराज का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। ये 1917 में कहा था गांधी जी ने।
नेक्स्ट यहाँ पर आंतरिक और बाहरी साफ सफाई, स्वच्छता ईश्वर की अनुभूति के साधन है। एक्चुअल में यहाँ पर एक बात बताऊँ कि गांधी जी बड़े से बड़े नेता होते थे, चाहे कोई भी होता था, उनको भी कहते थे आप साफ सफाई कीजिए, खुद की सफाई खुद कीजिए। मतलब चाहे वॉशरूम का हो, शौचालय का हो, चाहे आंगन का हो, चाहे जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह का, मतलब अशुद्ध मस्तिष्क के साथ हम ईश्वर का आशीर्वाद नहीं पा सकते। स्वच्छ शरीर, अब कहते हैं ना बचपन से आप लोग सीखते आ रहे हो, स्वच्छ शरीर में मस्तिष्क, स्वच्छ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वच्छ शरीर किसी गंदे शहर में वास नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर वह स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ मनोदशा के साथ नहीं रह पाएगा। स्वस्थ मनोदशा से ही स्वस्थ चरित्र का विकास होगा। नेक्स्ट, शहरों के साथ गांव को भी साफ रखने पर जोर दिया। मतलब सिर्फ शहर की बात नहीं की गांधी जी ने, गांव पर भी जोर दिया। देखो चरखा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली की जो बात करते थे, गांव के विकास से पूरे भारत का विकास होगा गांधी जी, और चरखा तो इको फ्रेंडली चीज़ है, मतलब यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं, कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने की बात। जोहान्सबर्ग में तय किया हमारे गांधी जी ने कि बस्ती में घर घर निगरानी करेंगे, और हर घर में जाकर निगरानी करते थे कि कितनी स्वच्छता है। स्वच्छता को रचनात्मक कार्यक्रम की सूची में शामिल किया। सफाई के प्रति लापरवाही को अपराध करार दिया दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका में के अभियान में। 1913 में दक्षिण अफ्रीका में एक बुकलेट लिखी गांधी जी ने। इस बुकलेट का शीर्षक था स्वास्थ्य के बारे में सामान्य ज्ञान। देखो जीएस जो हम लोग पढ़ते हैं, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। स्वच्छता को जीवन का जरूरी अंग करार दिया गांधी जी ने। देखो दो चार दिन पहले, 10 दिन पहले भी हमने स्वच्छता मिशन के बारे में जो बात की थी, तो बात की थी कि अंतर दो 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 टाइप से हम इसको डिकोड कर सकते हैं। एक अंतर मंत्रालय सहयोग, इनर मिनिस्ट्री कोऑपरेशन, स्वच्छता पखवाड़ा, नमामि गंगे, और स्वच्छता एक्शन प्लान, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, और स्वच्छ स्कूल स्वच्छता, आंगनबाड़ी स्वच्छता, और अंतर मंत्रालय के अंदर ही रेलवे स्वच्छता, पेट्रोल पंप स्वच्छता, और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। ये सब आप अंतर मंत्रालय के सहयोग, मतलब इसको आप आज के दौर के अनुसार यूज कर सकते हो दो पार्ट में। अब दूसरा पार्ट यहाँ पर अंतर क्षेत्रीय सहयोग के अंदर, यहाँ पे अंतर क्षेत्रीय सहयोग हो गया और यहाँ पे अंतर मंत्रालय सहयोग हो गया। तो अंतर क्षेत्रीय सहयोग के अंदर स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थान स्थान, कॉरपोरेट साझेदारी, मतलब कॉरपोरेट का मिला सामंजस्य, अंतर विश्वास सहयोग, मीडिया संपर्क, नेक्स्ट सांसदीय संपर्क, जो सांसद लोग हैं सब लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, गांव के संपर्क में आए, लोगों के संपर्क में आए, और लोगों से बातचीत करें और सफाई को आगे लेके जाए। शोधकर्ताओं के साथ संवाद, रिसर्चर्स के साथ संवाद, गैर सरकार संगठन, मतलब एनजीओ वगैरह जैसे आप कह लो, तो ये सारी बातें कही जाती हैं। थोड़ा सा डाटा है, 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में खुले में शौच मुक्त हो चुका है। ग्रामीण भारत में 9 करोड़ से ज़्यादा शौचालय का निर्माण हो चुका है। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर बोली जाती हैं। तो आज के न्यूज़ में इतना ही था। थैंक यू।